हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लेके आ गए हैं मैग्नाइट की गुरु, जो कि एक स्पेशल एडिशन है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसकी पूरी डिटेल बताने वाले हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर गाड़ी में क्या नए अपडेट आए हैं, क्या नए फीचर, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इंटीरियर में क्या नए अपडेट आए हैं, एक्सटीरियर में, तो ऐसे ही बने रहे, दिखाते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम के बारे में, जो इसका नाम रखा गया है गाइस, मैग्नाइट कुरो। कुरो जो है एक जापानीज वर्ड है, मतलब डार्क एडिशन, कोई भी कलर का डार्क एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रिल के बारे में। आपको इधर पूरी की पूरी ग्रिल जो है ब्लैक में देखने को मिल जाएगी गाइस, जो कि काफी अच्छी सी क्लासी सी लुक दे रही है। बीच में आपको निशान का लोगो मिल जाता है, निशान की बैजिंग मिल जाती है। और गाइस ग्रिल की बात करें ना, इसको पूरा का पूरा एकदम क्लासिक बना दिया गया। आप देखेंगे गाड़ी में बहुत ही कम, मतलब कि सिल्वर क्रोम की सब देखने को मिलेगी, मींस है ही नहीं। और गाइस इधर आपको ये लाइट्स देखने को मिल जाती है, इधर आपको DRL देखने को मिल जाती है, L शेप में DRL देखने को मिल जाती है। इस साइड में आपको DRL देखने को मिल जाती है, इधर आपको लाइट देखने को मिल जाती है। और गाइस बात करते हैं गाड़ी में, मतलब हर चीज एकदम सेम टू सेम है, नॉर्मल वाली मैग्नाइट की जैसे ही। इसमें चेंजेस बस यही किए गए हैं कि इस गाड़ी को एकदम मतलब डार्क एडिशन बना दिया गया है। आइए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके साइड मिरर के बारे में। साइड मिरर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि एक LED इंडिकेटर है, मींस रेड में दिखता है आपको, जब ये जलेगा रात में काफी अच्छा मिल जाता है। आइए इधर कैमरामैन, इधर आपको ये निशान और मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है, जो कि एक क्लासी लुक दे रही है। ठीक, इधर आपको एक ये पूरे के पूरे जो अलॉय व्हील है पूरे डार्क एडिशन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल वाली मैग्नाइट थी उसमें आपको डायमंड कटिंग मिलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है कुरो एडिशन गाड़ी है, तो इसमें पूरा आपको ये ब्लैक दिया गया है। साइड प्रोफाइल में इधर बात करते हैं, तो इधर आपको ये एक स्मार्ट लॉक सिस्टम इधर आपको मिल जाता है, इधर भी आपको नॉर्मल सा ये लॉक डोर हैंडल मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में आपको सेम टू सेम पुरानी वाली मैग्नाइट जैसी ही है, इधर आपको निशान का लोगो मिल जाता है, नीचे आपको मैग्नाइट की बैजिंग मिल जाती है। ठीक है, इधर आपको कुछ स्मार्ट सा टेल लैंप्स पुरानी वाली मैग्नाइट की जैसे ही। ठीक है, इधर आपको टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी ओवरऑल यार बैक प्रोफाइल से भी काफी मतलब सेम टू सेम गाड़ी है, कुछ चेंजेस नहीं दिए गए हैं। हाँ, एक चेंजेस दिए गए हैं, जो कि इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिल जाते हैं, मींस गाड़ी बैक में भी आपको कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में भी, साइड में भी, मींस 360 कैमरा आप सभी को मिल जाएगा। गाइस 360 कैमरा की बात करें, तो जैसे कि आप इस गाड़ी को चलाएंगे और कैमरा का यूज करेंगे 360, तो जैसे कि आप इस गाड़ी को ड्रोन से देख रहे हैं ऊपर से, उस तरीके में आप सभी को दिखे। गाइस ओवरऑल गाड़ी की बैक प्रोफाइल के बारे में हम मैंने बताया ही सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में, क्या इंटीरियर में चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट है। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, क्या चेंजेस आए हैं नॉर्मल वाली मैग्नाइट में, क्या ये चेंजेस आए हैं ये वाले कुरो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में। स्टीयरिंग में आपको बीच में ये निशान का लोगो मिल जाता है। दिस साइड लेफ्ट साइड आपको ये कुछ कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कॉल पिकअप एंड कट का ऑप्शन इधर मिल जाता है। इस साइड आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है गाइज, इधर आपको ये कुछ मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि मतलब FM मोड, म्यूजिक मोड इधर आपको देखने को मिल जाता है। साइड में वही आपको कुछ कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के नीचे आपको ये गाड़ी यार कुरो एडिशन है, तो स्टीयरिंग भी फुल ऑन ब्लैक कर दी गई है। इधर आपको ये ब्लैक क्रोम ब्लैक फिनिशिंग में देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ बात करते हैं इसके डोर हैंडल के बारे में। डोर हैंडल भी आपको ये पूरा ब्लैक में देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल के नीचे दिखाते हैं, दिखाइए इधर डोर हैंडल के नीचे आपको इधर कुछ मिरर कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, मीन साइड मिरर कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए। इस साइड आपको छोटा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। और इधर आप जस्ट उसके नीचे देखेंगे, इधर आपको ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और इस साइड आपको कुछ स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ी डिज़ाइन में दिए गए हैं। और इस साइड देखा जाए तो आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मीन्स कैमरामैन थोड़ा दिखाइए इधर, ठीक है, मीन्स छोटा सा स्पेस मिल जाता है बॉटल वगैरह रखने के लिए। और साथ ही साथ बात करते हैं इसके अब टच स्क्रीन के बारे में। तो आपको सेम टू सेम मीन्स जो नॉर्मल वाली मैग्नाइट है उसके जैसी ही स्क्रीन मिल जाती है। नीचे आपको कुछ ये कंट्रोलर्स मिलते हैं, ये पार्किंग लाइट के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, आप इसको पुश करेंगे चारों इंडिकेटर आपका जल जाएगा गाइज। उसके जस्ट नीचे आपको ये AC कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, AC के अप एंड डाउन मतलब कि कितना AC करना है उसके कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, टिकट होल्डर के जस्ट ये थोड़े से पीछे आपको ये माइक देखने को मिल जाता है। और इस साइड आपको ये कुछ लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि येलो लाइट्स में आपको मिल जाती है।
येलो लाइट के फ्रंट में आपको ये बैक में देखने के लिए ये जो है मिरर मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड में गाइस पूरा का पूरा मतलब डैशबोर्ड जो है काफी अच्छा दिया गया है, काफी अच्छी सी इसमें प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक इधर यूज की गई है। तो ये एसी देखने को मिल जाते हैं जो कि इधर चार एसी दिए गए हैं। आपको गाइस ये स्पेस देखने को मिल जाता है इधर, आपको ये इसमें एक येलो लाइट जो कि रात वगैरह में थोड़ा दिक्कत होती है सामान वगैरह निकालने के लिए, मीन्स काफी बड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी जो है कुरो जो है ये सेकेंड टॉप गाड़ी है, ये जो है मैनुअल मोड में आती है, मीन्स ये गाड़ी जो इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 गियर्स आई थिंक मिल जाते हैं, एक रिवर्स गियर मीन 6 गियर आपको इसमें मिल जाते हैं। इधर देखा जाए आपको ये बॉटल्स के कुछ स्पेस मीन्स कुछ भी आप रखने के लिए इधर आपको स्पेस वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, इधर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन इधर मिल जाता है। हैंड ब्रेक के जस्ट सामने देखेंगे तो आपको ये स्टार्ट एंड स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है गाइस। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं इसके सीट एडजस्टमेंट के बारे में। तो गाइस इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलेगी। इधर आपको एक हैंडल मतलब इधर आपको एक कंट्रोलर दिया गया जिससे आप इसको सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आप नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, आप देख सकते हैं मैं नीचे की ओर जा रहा हूं। देन आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे तो आप मतलब अपने हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी चीज है इस गाड़ी में। तो गाइस चलिए बताते हैं इसमें 3 मेजर डिफरेंस जो नॉर्मल वाली मैग्नाइट है। फर्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम आपको इधर देखने को मिल जाए जो कि इसके नीचे दी गई है, टच स्क्रीन की जस्ट नीचे आपको ये वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम देखने को मिल जाएगा। गाइस इधर आपको रियर एसी देखने को मिल जाती है गाइस। और तीसरा डिफरेंस आपको ये मिल जाता है कि इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा मिल जाता है, मींस आप अगर इसमें 360 कैमरा अगर ऑन करेंगे आप टच स्क्रीन में आपको सेंटर में आपको गाड़ी दिखेगी, मींस कि ऐसा कि इस गाड़ी को मतलब ऊपर से कोई दिखा रहा है, मींस लाइक हेलीकॉप्टर से इस गाड़ी को कोई दिखा रहा है, लाइक ड्रोन जैसे इस गाड़ी को आपको ऊपर से दिखा, मींस 360 मतलब आप सभी जान ही रहे हैं मतलब कि चारों तरफ से और ऊपर से भी। ठीक है गाइस, इस गाड़ी में 360 कैमरा आप सभी को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा फीचर है इस गाड़ी में इस रेंज में। तो गाइस गाड़ी जो है ओवरऑल बहुत ही अच्छी है नॉर्मल वाली निशान मैग्नाइट से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वो भी वाली काफी अच्छी है, लेकिन ये जो गाड़ी है स्पेशल एडिशन गाड़ी है, इसका नाम है निशान मैग्नाइट कुरो जो कि काफी इसमें आपको 3 मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं जो कि मैंने वीडियो में बताया ही आप सभी को। गाड़ी ओवरऑल काफी अच्छी है, काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही है आपको, काफी अच्छा रोड प्रेजेंस है इसका। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें आप छोटा सा कमेंट कर दिया करो कि इसमें वीडियो में क्या कमी रह गई है, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकूँ। और इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप सभी को पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।